हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो टाइटल और थंबनेल देखा है वो 100% रियल है कि आप यूट्यूब पर मूवी अपलोड करके महीने के 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। पे लाइव प्रूफ देख लीजिए कि मैं किस तरह से यूट्यूब पर वर्क करके उस पर मूवी अपलोड करता हूं, और ना ही मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आती है, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, फिर भी मैं इससे अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकता हूं, आप यहां पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि वहां पर मेरे सारे वीडियो अपलोड है कि यूट्यूब पर मूवी डालकर हम कैसे पैसे कमाएं, कैसे क्या सेटअप करें, सारे वीडियो आपको अवेलेबल है वहां पे। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पे सीखते हैं कि मूवी को किस तरीके से एडिट कर लें कि उसके बाद उस पर कॉपीराइट या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई से भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे काइन मास्टर का यूज करता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर मूड एपीके है, जिसमें कि आपको यहाँ पे वाटर मार्क नहीं मिलेगा। आप इसे प्ले स्टोर से या फिर क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप मूवी यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हो तो आपको 16.9 सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम डायरेक्ट मूवी अपलोड करते हैं तो अपलोड होने के 1 या 2 सेकंड बाद कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन आज हम मूवी को इसमें ऐसे एडिट करेंगे कि जिससे ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पहले एक मूवी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मूवी डाउनलोड करके रखी है पहले से। तो मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये मूवी 2 घंटे 18 मिनट और 30 सेकंड की है। देख सकते हो, 2 घंटे 10 मिनट 36 सेकंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे कर ली सिलेक्ट। इसके बाद मुझे करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे यहाँ पे मूवी आपको शो हो रही है। ठीक है, तो अब हमें इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों कि मूवी में, ये आप देख सकते हो चेक मूवी है जो कि साउथ की है। ठीक है, तो इसे हम कैसे एडिट करें कि इस पर ना ही कॉपीराइट कंटेंट आए और हमें इसे अर्निंग भी हो जाए। तो आपको सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में चले जाना है, और स्टार्टिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप 10 जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप मूवी स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे वॉइस कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसका तो वॉइस इसका पूरा ही कम है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपके यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो जाती है तो जो फ्रंट पेज आता है दोस्तों, जिस पे कि अप्रूवल रहता है कि आप मूवी दिखा सकते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा रहता है, आपको उसे पहले रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको मूवी पे क्लिक करना है, और मूवी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कटर का निशान दिख रहा होगा, तो आपको इसको मार्क्स पे क्लिक करना है, और हमें लेफ्ट साइड की पूरी हटानी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत बचा है हमें पहले उसे पूरा रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ से ले लें हम इसे, और इसे कट कर देते हैं, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम मूवी प्ले करेंगे तो हमारे सामने जो गवर्नमेंट का अप्रूवल था वो यहाँ पे हट चुका है। तो सबसे मेन बात हमें ये हटाना है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर मूवी अपलोड करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले एनालाइज यही करते हैं फ्रंट पेज। ठीक है, अब जैसे ही फ्रंट पे 1 से लेके 20 या 30 सेकंड तक जो भी आता है यूट्यूब उसे एनालाइज करता है, और अगर वो उनके पास पहले से मिलता है तो वो हमें कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हम आगे आते हैं। और आगे आने के बाद सेकंड बात हमें ये याद रखना है कि मूवी में अगर कोई सा भी सॉन्ग प्ले होता हो, ठीक है, तो उस सॉन्ग को पूरा ही रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आगे देखते चलते हैं, यहाँ पे अगर कोई सा सॉन्ग आता है तो हम उस सॉन्ग को पूरा रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम सॉन्ग रिमूव नहीं करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, जिससे कि जो अर्निंग होगी उस मूवी से वो हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें सॉन्ग को रिमूव करना है। तो बहुत सारी मूवी में सॉन्ग आते हैं, जैसे अगर KGF ले होगे या फिर सवाल होगे तो उसमें सॉन्ग आएगा। ठीक है, तो सेकंड बात आपको ये चीज़ रिमूव कर देना है, दोनों चीज़। अभी हम यहाँ पे सॉन्ग ढूंढते हैं, शायद साउथ में इसमें सॉन्ग नहीं है। अगर बहुत सारी मूवी में सॉन्ग आते हैं तो वो करना क्या, इजीली उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कट पर जाना है, और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, उसके बाद जो पार्ट वहाँ से कट हो जाएगा, और कट होने के बाद जहाँ से गाना एंड हो जाता है आपको एक बार फिर से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर लेफ्ट साइड का हटा देना है। तो जो भी गाना रहेगा वो बीच में से हट जाएगा, और मूवी फिर सॉन्ग स्टार्ट से लेकर सॉन्ग एट का पार्ट हम कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें दो टॉपिक तो यहाँ पे देख लिए। अब तीसरा टॉपिक दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको करना क्या है, जैसे आपको जो भी मूवी अपलोड करता है यूट्यूब चैनल, वो उनका यहाँ पे
लोगो लगा के रखता है, जैसे कि ये हमने आदित्य मूवी से डाउनलोड करी है तो इसका यहाँ पे आदित्य आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसे भी रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, लेयर पे आपको क्लिक करना होगा और लेयर पे करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिखता होगा, तो आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इफेक्ट ले लेना है ब्लर वाला। और दोस्तों इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे लगा देना है जहाँ पे आपको आदित्य मूवी का दिख रहा है, और फिर उसके बाद इसे बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे हम इसे फुल कर लेते हैं और इसे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो बढ़ाने के बाद होगा क्या दोस्तों, जो रहेगा ना वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ आदित्य मूवी लिखा है पूरी मूवी में हमको इस तरीके से कर देना है। देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसके पूरे मूवी पे चढ़ा देता हूँ क्योंकि पूरी मूवी पे लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है आपको भी कुछ इस तरीके से पूरी मूवी पे, तो मूवी तो बहुत बड़ी है दोस्तों, तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको पूरी तरीके से मूवी पे लगा देना है, क्योंकि लगाने के बाद फिर यूट्यूब ये एनालाइज नहीं कर पाएगा कि ये आदित्य मूवी ने अपलोड करी या किसने करी है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टॉप पॉइंट हो गए हमारे, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही मेन है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, आपको कोई सी भी एक इमेज लेना है जो कि आपका YouTube चैनल हो, जैसे कि मेरे यहाँ ये YouTube चैनल है अर्निंग आइडिया करके, ठीक है, जिस पे आप वीडियो वॉच कर रहे हो, तो मैं इसका जो लोगो रहेगा वो लोगो को साइड में लगा दूंगा और इसे भी फुल स्क्रीन पे कर दूंगा, मतलब जितनी घंटे की मेरी मूवी है उतने घंटे का मैं इसे कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर एनालाइज करेगा YouTube तो उसे लगेगा कि नहीं इन्हीं की मूवी है, तो वो इस पे कॉपीराइट नहीं देगा, और आपको पता अगर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आई तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पर इसमें हम YouTube से मोनेटाइज नहीं कराएंगे हमारे चैनल को, इससे हम MCN नेटवर्क से कराएंगे। मैंने सारी डिटेल प्ले लिस्ट में दी है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चार पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या करना है, और चार पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे मैं पाँचवा पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हमारी जो अर्निंग रहेगी वो सारी अर्निंग कॉपीराइट में चली जाएगी, ठीक है। तो वो टॉपिक क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब जब मूवी में कोई ऐसे पार्ट आते हैं जो इलीगल रहे, समझ रहे हो आप, जिसमें कि कोई शराब का सेवन कर रहा है या फिर सिगरेट पी रहा है या फिर किसी भी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको पता हो कि अगर ये मूवी तो जिन्होंने अपलोड करी है उनको तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पैसे देते हैं सरकार को, ठीक है। पर हम अगर इसे अपलोड करेंगे तो YouTube इसे कॉपीराइट दे देगा या फिर क्लेम दे देगा या फिर रिमूव कर देगा अदर कंटेंट बता के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको फिर से उस पे लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स लेना है, और इफेक्ट्स लेने के बाद जहाँ जहाँ वो सीन आ रहा है जैसे कि कोई धूम्रपान कर रहा है कुछ, उसको इस टाइप से ब्लर कर देना है। तो आप उसको अगर ब्लर कर देते हो तो वो पार्ट आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो इसे ब्लर कर दिया, तो लड़की यहाँ पे ब्लर हो गई है, तो जो सेक्सुअल सीन है या फिर कुछ भी ऐसा कंटेंट है, ठीक है, तो वो आप इसमें नहीं देख पाओगे, ठीक है। और फिर आपकी मूवी अच्छे खासी अपलोड होगी और रैंक भी होगी, नहीं तो YouTube इसे एक साइड कर देगा कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, तो इसलिए आपका वीडियो रिमूव नहीं, मतलब आपका वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा और फिर आप अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पांच पॉइंट यहाँ पे हो गए, अब छठवां पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे आना है, और टेक्स्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा अर्न, ठीक है। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि जिस भी बंदे ने अगर हमारी मूवी कॉपी करी हो तो YouTube एनालाइज चेक कर लेगा और उनके उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे वो डार्क है जिससे कि हमें मूवी नहीं दिख पाएगी, तो हम यहाँ पे अल्फा पे क्लिक करेंगे, और अल्फा पे क्लिक करने के बाद इसको बहुत ही कम कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा कम कि सिर्फ YouTube ही समझ पाए और हम देख पाएँ कि हाँ ये हमारी मूवी। इसके बाद इसे राइट क्लिक करके इसको भी पूरी मूवी पे कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी छह चीज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, अब हमें सातवीं चीज़ देखनी है कि यहाँ पे सातवीं चीज़ क्या है जो कि हम मूवी में एडिट करके उसे डाल दें। तो सातवीं चीज़ ये है दोस्तों कि जब मूवी एंड होती है तो आप देखते हो कि जब मूवी एंड होती है तो उसके बारे में बताया जाता है डिटेल में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो राइट में ये कि यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके बारे में कि क्या है, इसके डबिंग किसने की है क्या, तो आपको ये पार्ट भी सारा डिलीट करना है। जैसे यहाँ से मूवी एंड हो गई ये, ठीक है, तो आपको फिर से इसे यहाँ से पूरी कट कर देना है, ठीक है। और कट करने के बाद हमारे यहाँ पे 67 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था ना धूम्रपान का, इसमें धूम्रपान का भी यहाँ पे शो हुआ था, ठीक है, तो ये चीज़ हमें रिमूव कर देनी है। और रिमूव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से मूवी को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सात पॉइंट ये हो गए, तीन पॉइंट आपको मैं यूट्यूब पर बताता हूँ।
आप जैसे यहाँ से मूवी को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी 1080 या 720 ही रखनी है। रखने के बाद आप इसे जैसे यहाँ से सेव करते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा 100% होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको YouTube पर उसे कैसे अपलोड करना है, मतलब किस तरीके से करना है। अगर आप डायरेक्ट उसे पब्लिक कर देते हो तो वहाँ से आपका वीडियो आप जैसे ही पब्लिक करोगे तो आपका रिमूव हो जाएगा या फिर उसे कॉपीराइट कंटेंट दे देगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से मैं इसे बैक करता हूँ और अपने फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे हम फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए। उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा YouTube ओपन करना है, ठीक है। और YouTube ओपन करने के बाद जैसे ही हम मूवी को यहाँ से अपलोड करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, अपलोडेड वीडियो, और यहाँ से आपको मूवी सिलेक्ट कर लेनी है जो हमने करी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मूवी सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं उसी को करूँगा क्योंकि आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको लाइव प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फेक वीडियो है। तो मैंने यहाँ से ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हमें यहाँ से अपलोड कैसे करनी है, आपको यहाँ पे टाइटल में क्या देना है, समझ रहे हो, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे आप इतना कर सकते हो, ना कर सकते हो। ना का मतलब ये होता है कि कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसे आपको प्राइवेट मोड पे कर देना है, और प्राइवेट मोड पे करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन इंडिया की नहीं डालनी है, आपको बाहर कहीं का भी डाल देनी है, ठीक है। तो आपको मैं जैसे यहाँ पे गोवा डाल देता हूँ, आपको इंडिया कंट्री नहीं डालनी, और आपको इसे नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद इसे आपको अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपलोड कर दीजिए, और अपलोड करने के बाद आपको ये अपलोड का टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों, रात में आप 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये चीज़ अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप YouTube का जो एल्गोरिथम रहता है वो अच्छे से सर्च नहीं कर पाता है, ठीक है। रात के टाइम में आपको अपलोड करना है, जैसे कि अगर एक बार आपका अपलोड हो गया और कॉपीराइट क्लेम या नहीं स्ट्राइक आया तो फिर कभी नहीं आएगा, आप उससे अर्निंग कर सकते हो। और फिर आपको अर्निंग कैसे करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको अपने क्रोम पर जाना है और आपको यहाँ पर फ्रीडम MCN नेटवर्क बना लेना है। अकाउंट बनाते कैसे उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे उस अकाउंट को अपने YouTube चैनल से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और जैसे आप YouTube चैनल से उसे कनेक्ट करते हो दोस्तों तो उसमें होगा क्या, जो भी वीडियो आप YouTube पे अपलोड करोगे वो आपको वहाँ पर शो होंगे, और फिर उसके बाद आप अप्रूवल के लिए उन्हें मोनिटाइज अप्रूवल के लिए वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो आप जैसे ही वहाँ पर अप्रूवल के लिए डालते हो 2 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपका अप्रूवल हो जाएगा, और 24 घंटे के बाद आपके जो चैनल रहेगा उस पर एड आने लगेंगे। बस इतना ही रहेगा कि 6 से 7% चार्ज आपका लेगा MCN। बाकी अगर जैसे आपकी एक दिन में 10,000 की कमाई होती है तो वो आपके 600 से 700 रुपये लेगा, ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग करा के देगा। और जो भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आती है वो ऑटोमेटिक वो सेटलमेंट कर लेता है MCN, ठीक है। MCN की पूरी जानकारी के लिए आपको मैंने नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे यूट्यूब कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारे मेरे वीडियो अपलोड है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ।